गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 4.22, जिसमें कहा गया है कि दो वायर हैं और दोनों पैरेलल रखे हुए हैं। हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, मतलब एफ अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फार्मूला आप लोग जानते ही हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 बाई आर। अब इसके बीच में आर कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक बात। दूसरी बात, एक वायर की करंट I1 मान लें 300 एम्पियर और दूसरे की भी वायर की जो है 300। अब ये है क्या, ये है एक वायर जो कि बैटरी से कनेक्ट होने वाला है और ये ऑटोमोबाइल से कनेक्ट होगा जिससे करंट फ्लो करेगी। तो जाहिर सी बात है कि एक में अगर करंट जा रही होगी लाइव में तो न्यूट्रल में वापस आ रही होगी, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, एक लाइव में से जाएगी तो न्यूट्रल में वापस लौटेगी, तो हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों की करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा, अब सीधी बात, ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है, आपने पढ़ा है कि जब करंट एक डायरेक्शन फ्लो होती है इस पहली वायर में, इसको वायर नंबर 1 मान लें और इसको वायर नंबर 2 मान लें, तो दोनों वायर एक दूसरे पर फील्ड क्रिएट करेंगे। देखिए कैसे, ये यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, यानी कि ये करंट फ्लो हो रही है, मैंने अंगूठा दिखा दिया, और आपको फील्ड कहाँ निकालना है, उस वायर पे निकालना है। तो देखिए, आपने उंगलियाँ उस तरफ कर दी, तो पाम आपको क्या बता रहा है, डाउनवर्ड, समझ रहे हैं। पहले वाले वायर की बात कर रहे हैं, करंट इधर है, फील्ड आपको उस डायरेक्शन मतलब यहाँ निकालना है, क्योंकि ये वायर जहाँ रखा है। देखिए, होता ये है कि फोर्स हम तभी निकाल पाते हैं जब हमको करंट पता हो और फील्ड पता हो, यहाँ फील्ड कहीं नहीं पता। तो ये वायर क्या करेगा, यहाँ फील्ड क्रिएट करेगा और ये वाला वायर यहाँ फील्ड क्रिएट करेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ रीजन में फील्ड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम फील्ड निकाल लें, इस वायर की वजह से यहाँ पर फील्ड किस डायरेक्शन में होगी वो देख लें, बस फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये हमने अंगूठा उधर कर दिया और उंगलियाँ उस तरफ कर दी, तो पाम क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड, यानी कि यहाँ पर फील्ड क्या होगी हमारी, डाउनवर्ड। यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर लेते हैं डाउनवर्ड से, ठीक। अब ये वाला वायर के देखिए क्या है, इसका अंगूठा इस तरफ है और फील्ड हमको उधर दिखानी है, मैंने उस तरफ हमने कर दिया, ठीक है। तो जब इस तरफ करेंगे तो ये क्या होगा, पाम नीचे की तरफ है, यहाँ भी डाउनवर्ड ही फील्ड है। अब दोनों तरफ हमको डाउनवर्ड फील्ड मालूम चल गई, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी, अब बस काम ख़त्म हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम इस वाले में करंट उस तरफ है, फील्ड नीचे की तरफ है, तो हम अपना निकाल सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, फील्ड, सॉरी, ये करंट इधर है और फील्ड कहाँ है, नीचे। देखिए, जब हम फोर्स निकालते हैं तो उंगलियाँ उस तरफ करते हैं जहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन होती है। देखिए, ये देखिए आप, हाथ हमने अंगूठा उस तरफ किया और फील्ड कहाँ है, फील्ड यहाँ डाउनवर्ड में है, तो ये जो पाम है वो पाम इस तरफ दिखा रहा है, इस तरफ पाम दिखा रहा है, देखिए इस तरफ दिखा रहा है, ये अंगूठा उधर कर दिया, उंगलियाँ नीचे की तरफ कर दी, तो पाम इधर दिखा रहा है, तो पाम इधर दिखा रहा है का मतलब क्या हुआ, इस वायर पर फोर्स इस तरफ लगेगा। क्लियर हो गई बात। अब इधर की बात करिए, अंगूठा करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, देखिए, और फील्ड यहाँ भी नीचे की तरफ है, देख सकते हैं आप, फील्ड नीचे की तरफ है, तो पाम हमारा कहाँ दिखा रहा है, उस तरफ दिखा रहा है, देखिए उस तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि इस पर भी फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, लिहाजा आप समझ सकते हो कि दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट है। इसका मतलब जो फोर्स लगने वाला है वो कैसा आएगा, रिपल्सिव आएगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आएगा कितना, अरे तो फिर आराम से निकाल सकते हैं, इसको क्या फार्मूला तो ही है, फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, 2I1 I2, 300 × 300 और उनके बीच के डिस्टेंस कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करिए, सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे, आएगा 1.2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो जैसे मैंने बताया है उस तरह से आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, उस तरह से आप फील्ड भी पता कर सकते हो और फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही आसान, जैसे मान लीजिए ये करंट फ्लो हो रही है, ये हम आपको तरीका बता रहे हैं, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है उस तरफ आप अंगूठा कर दीजिए, तो देखिए ये है ना, आपने अंगूठा कर दी, और अगर आपको फील्ड यहाँ पता करना है इस तरफ, तो आप उंगलियों को उस तरफ कर दीजिए, अगर आपको इधर पता करना है तो उंगलियों को उस तरफ कर दीजिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो फील्ड की डायरेक्शन है वो आपके पाम से पता चलेगी। अगर आपको यहाँ निकालना है तो उंगलियाँ इस तरफ कर दीजिए, यहाँ निकालना उंगलियाँ इस तरफ कर दीजिए, तो जो पाम है वो पाम आपको डायरेक्शन देगा फील्ड की, नंबर एक बात, ठीक, ये तो नंबर एक बात हो गई।
नंबर दूसरी, अगर आपको करंट पता है, आपको फील्ड पता है, तो उस वक्त जो पाम होगा आपका वो क्या बताएगा, वो पाम बताएगा आप फोर्स की डायरेक्शन। जैसे पहले हम लोगों ने निकाला है, देखा है कि अगर ये है अंगूठा करंट की डायरेक्शन और फील्ड नीचे की तरफ, तो उंगलियां वहाँ नीचे कर देंगे, ठीक है। तो जो हथेली होगी यानी कि पाम होगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर फील्ड जो है बी जो है ना, यहाँ आप अपनी फिंगर कर देंगे, यहाँ आप अपनी फिंगर दिखा देंगे, ठीक है। और थंब करंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उस तरफ उंगलियाँ कर दीजिए, तो पाम आपको क्या बता देगा, फोर्स। और इस केस में क्या है कि वायर में करंट जो फ्लो रही है, वो थंब आपका क्या बताएगा, करंट। थंब आपको करंट बताएगा। तो जिस डायरेक्शन में आपको निकालना होगा उस डायरेक्शन में उंगली कर दीजिए। फिंगर आपको कहाँ दिखानी पड़ेंगे, फिंगर वेयर यू हैव टू फाइंड फील्ड। बस इतना शॉर्टकट में लिख ली, वेयर यू हैव टू फाइंड फील्ड। बस तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय।